का। शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। हमने तौबातुन नसूह को पेश करने का बीड़ा इसलिए उठाया क्योंकि इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी कल थी, और इसलिए भी कि वो जुबान जिसकी महक वक्त की खलाओं में कहीं खो गई है उसे दोबारा अदबी चमन में लाकर महकाया जाए। इस किताब में इंसान के उस फर्ज का जिक्र किया गया है जिसे तरबियते औलाद कहा जाता है, मगर तरबियते औलाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि औलाद को महज पाल पोस कर बड़ा कर दिया जाए, उन्हें खाने कमाने का कोई हुनर सिखा दिया जाए और धूमधाम से कहीं उनकी शादी कर दी जाए, बल्कि इसका सही मफहूम ये है कि उन्हें हुस्ने माशरत, हुस्ने किरदार और हुस्ने अखलाक से आरास्ता किया जाए। तौबातुन नसूह है डिप्टी नजीर की। अब से बहुत पहले दिल्ली में हैजे का एक बार इतना जोर हुआ कि सिर्फ एक हकीम बका के कूचे से हर रोज 30-30, 40-40 लोग छींचने लगे। हर तरफ एक बाजार मौत गर्म था, जिस तरफ निगाह करो वहशत वीरानी। जिन बाजारों में आधी आधी रात तक खवे से खवा छिलता था, ऐसे उजड़े पड़े थे कि दिन दोपहर को भी वहां जाते हुए खौफ महसूस होता था। बाजारों की रौनकें खत्म, सौदा बेचने वालों की आवाजें बंद, कटोरों की झनकारें खामोश, मिलना जुलना तर्क, आना जाना मौकूफ, हर शख्स अपनी हालत में मुब्तला, मुसीबत में गिरफ्तार, जिंदगी से मायूस, कहने को जिंदा मगर मुर्दे से भी बदतर। नसूह का घर भी फरिश्तों की नजर से न बचा। उसके बाप की अजल यानी मौत आई तो दवाएं रखी ही रह गई। बाप को मिट्टी देकर घर लौटा तो अपनी एक रिश्ते की खाला को जहां बहक पाया। तीसरे दिन घर की एक मामा भी रुखसत हो गई। नसू यूं भी दिल का कच्चा था, जब उसने मौत की ये गर्म बाजारी देखी तो सर्द हो गया।
हैजे से बचने की जितनी तदबीरें हो सकती थी वो सब उसने की। लेकिन एक दिन उसके सब्र और एहतियात का दामन हाथ से छूट गया और उसने बेगम से जर्दा पकाने की फरमाइश कर ही डाली। बेगम जी। अरे जरा यहाँ तो आइए। आती हूँ। फरमाइए। जरा तशरीफ लाइए। बोलिए क्या बात है भाई। जर्दा पकवाइए। चावल खाने हैं क्या? 2 महीने हो गए तरस रहे हैं। ठीक है जर्दा पक जाएगा। बेदारा जर्दे की तैयारी करो। क्यों नहीं माँ? हाँ अब्बू जर्दा तो जरूर खिलवाइए और साथ में रोगन जोश भी खाएंगे। हाँ क्या बात है। रोगन जोश भी, इसका मतलब आपको घर में दावत चाहिए दोनों को। ताकीद कीजिएगा चावल खड़े ना रहे। अरे बेदारा तो अच्छा जर्दा बनाती है, भूल गए क्या? नहीं नहीं अच्छा तो बनाती है। मैं फिर भी ताकीद कर दूंगा। बेदारा रोगन जोश और जर्दा तैयार करो। आ जाओ एक एक हाथ हो जाए। अब्बू आप फिर हार जाएंगे। चलो आओ। नसूह और घर के तमाम लोग रोगन जोश और जर्दा वगैरह खाकर सोने लेट गए। कोई एक पहर रात बाकी रही होगी कि दफतन एक अजीब सी बेचैनी से नसूह की आंख खुल गई। बहुत जब्त किया, बहुत टाला, मगर होनी को कौन टाल सकता था। उसे बहुत जोर की कह हुई। बेदारा, अरे बेदारा, कलीम कलीम नहीं माँ, कहाँ हो भाई सब लोग? आई है। ये क्या हुआ? कैसी आफत आई? मियाँ जी, या अल्लाह, खैर। घर के सारे लोग जाग गए और नसूह की ये हालत देखकर सबके कलेजे धक से रह गए। अब्बा जान होश में आइए, क्या हुआ? अब्बू अल्लाह कुछ करो, मियाँ की आंखें उलट रही हैं। कुछ करो मियाँ, कुछ करो। अल्लाह। कुछ लोग इसे सुए हजम करार दे रहे थे तो कुछ लोग हैजे का अंदेशा जाहिर कर रहे थे, लेकिन चारों नाचार उसे ये तस्लीम करना पड़ा कि अब वो इस दुनिया में चंद साथ का मेहमान है और अब उसका चल चलाओ है। मियाँ जी संभालिए अपने आप को। अपनी मौत उसे बेवक्त मालूम हो रही थी। बीवी को देखकर वो अपने दिल में सोच रहा था कि भला इसकी उम्र कोई बेवा होने की है? न बेटों में कोई इस काबिल है जो उसके बाद घर को संभाल सके। अंदोख्ता और जमा पूंजी जो है वो भी वाजबी है। बाल बच्चे जरा सियाने हो जाते, खाने कमाने लगते, गांव की जायदाद का कजिया भी निपट जाता और बीवी बच्चों के वास्ते कुछ ज़खीरा वाफी फराहम कर देता तो फरागत और इत्मीनान से मरता। फिर उसने सोचा मौत तो मौत है, आएगी अपने वक्त पर। और जहां तक इत्मीनान और फरागत की बात है तो वो कभी नसीब नहीं होगी। उसने सोचा मरना तो अब टलता नहीं, तो रंज से फायदा और इस्तराब से हासिल। मरना है तो मर्दाना वार क्यों ना मरूं। इस ख्याल से उसके दिल को इत्मीनान हुआ। इधर बीमारी की शिद्दत और कमजोरी, उधर ख्वाब आवर दवाओं का असर। लेटा तो झपके से आ गई। नसूह ने अपने आप को दूसरे जहां में पाया। उस दूसरे जहां में पहुंचने पर
नसू क्या देखता है कि एक बड़ी अदालत की इमारत है जहां हाकिम की हैबत हर अदनाव आला पर छाई हुई है। हर शख्स उसकी हैबत से कांप रहा है मगर उससे बख्शिश की उम्मीद लगाए बैठा है। फिर क्या देखता है कि हर गुनाहगार को फर्दन फर्दन करारदादे जुर्म की एक एक नकल दी जा रही है। हर शख्स अपने फर्दे जुर्म को पढ़ पढ़ कर कांप रहा है और अपनी बरात की माकूल सूरत तलाश करने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो सामने हवालात नजर आती है जिसमें मुजरिमों को सजाएं दी जा रही हैं। ये दर्दनाक हैबतनाक और दिलखराश मंजर देखकर उसका पूरा बदन कपकपा जाता है। गुनहगारों और मुजरिमों की भयानक चीखें उसके कानों से टकराती हैं। हजारों लाखों लोगों के मजमे में दूर उसे अपने वालिदे मोहतरम नजर आए। पहले तो वो उसे अपनी नजर का वाहिमा समझा मगर गौर से देखा तो पता चला कि वो वाकई उसके वालिद हैं। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। या हसरत, हम सब आपकी जुदाई में तबाह हैं। आप यहाँ कहाँ? मैं अपने गुनाहों की जवाबदेही में माकूज हूँ। देख रहे हो ये मकाम, ये दारुल जज़ा है। खुदावंद जल्ला शानहु इस महकमे के हाकिम है। अबू, आप तो बड़े मुत्तकी परहेजगार खुदा परस्त और नेकोकार थे। आप पर गुनाहों के इल्जाम? गुनाह भी एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों। देखो देखो, ये मेरा नाम है आमाल, रुसवाइयों और वदियतों से भरा हुआ है। इसे देख देख कर मैं सख्त परेशान हूं, क्या जवाब दूंगा और कौन सी वजह अपनी बरात की पेश करूंगा। हमने दुनिया में तुझे भेजते वक्त तुझसे क्या अहद लिया था? क्या तू उसे भूल गया? हमने ये जिंदगी तुझे इसलिए दी थी कि तू इसे हमारी इताअत और फरमाबरदारी में गुजारेगा, मगर तूने शैतान के बहकावे में आकर हमारे अहकाम से रूगर्दानी की। हमारा बंदा बनने के बजाय अपने नफ्स का गुलाम बनकर रह गया। चंद रोजा जिंदगी को अपना मां हसल समझ बैठा और आखरत की जजा और सजा को फरामोश कर दिया। आज अपनी हालत देख, तूने हमारी दी हुई रूह को कितना गंदला और नजीसो नापाक कर दिया है। हमने दुनिया में तुझे सबसे अफजल बनाया था मगर तू तो जानवरों से भी अफजल बन गया। हमने तुझे समझाया था कि दुनिया और मताए दुनिया से जीना लगाइयो, इस तरह रहियो जैसे मुसाफिर सराय में रहता है। तू वहां गया तो समझा कि मुझे तो हमेशा यही रहना है। इस तरह गफलत की नींद सोया कि अब कयामत में आकर जागा। क्या तू तमाम उम्र दुनिया में मालो मता जमा नहीं करता रहा? क्या तूने पुख्ता और आलीशान इमारतें इसलिए नहीं बनवाई कि तू मुद्दतों उनमें रहेगा? अव्वल तो तुझको हमारी इताअत और फरमाबरदारी और इबादत की तौफीक ही नहीं होती थी, और कभी बंदों की शर्मा हजूरी और रस्मन इबादत की भी, तो किस तरह कि तेरा दिल कहीं था और दिमाग कहीं। साल में एक महीने के रोजे रखने का हमने तुझे हुक्म दिया था ताकि तुझको हमारी नेमतों की कद्र हो और तेरी जिस्मानी ताकत में भी इजाफा हो।
यूं तो तू दुनिया के कामों में दिन भर मशगूल रहता था, न किसी से शिकवा न गिला, मगर रोजा क्योंकि हमारे हुक्म से था, इसलिए दिन में सैकड़ों मर्तबा प्यास की शिकायत और हर आए गए से कमजोरियों लागरी का शिकवा। इधर रोजा इफ्तार किया, उधर तू बदहवास होकर चारपाई पर ऐसा गिरा गोया बदन में जान ही नहीं है। तू रोजे ईद का ऐसे मुंतजिर रहता था जैसे कैदी तारीख रिहाई का। तेरा बस चलता तो 29 की जगह 19 की ईद करता। क्या ऐसे ही नमाज रोजों पर तू सवाब का उम्मीदवार और अज्र का तालिब है? हमने तुझको इंसान बनाकर भेजा था ताकि तू गरीबों, कमजोरों और मुसीबत जदों से हमदर्दी करे, मगर तूने ऐसी तन आसानी और ऐशो इशरत की जिंदगी इख्तियार की कि राहत पहुंचाना तो दूर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर तुझे खुशी महसूस होती थी। तूने हमारे फरमान वाजिबुल अजान की बेहुर्मती ही नहीं की, बल्कि अपने किरदार से दूसरे बंदों बिलखुसूस अपनी आल औलाद को भी गुमराह किया। तू हर रोज लोगों को मरते देखता और सुनता था। क्या तुझे ये नहीं समझना चाहिए था कि तुझे भी एक दिन मौत आनी है? खुद तेरी जिंदगी में कितने इनकलाब आए, लड़कपन से जवान हुआ, जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा, काले बाल सफेद हुए, दांत तेरे टूटे, नातवानी और जोफ का तू शिकार हुआ, कमर तेरी झुकी मगर तेरी अक्ल सीधी ना हुई। गरज हमने तुझे सोता देखकर बहुत जगाया, बहुत झंझोड़ा, पानी के बहुत छींटे मारे, कई बार उठा उठा कर बिठा दिया, मगर तेरे नसीब ऐसे फूटे थे कि तूने करवट ना ली। तमाम उम्र तू गफलत में सोया, हमारा क्या गया अपना ही खोया, हमारा क्या गया अपना ही खोया। फिर सही और सिफारिश का इस दरबार में कोई दखल नहीं? अस्तग़फ़िरुल्लाह, यहाँ कोई किसी की बात को पूछता तो है नहीं, नफ्सी नफ्सी पड़ी है, हर शख्स अपने बला में मुब्तला और अपनी मुसीबत में गिरफ्तार। दूसरों की निजात क्या करें, पहले अपने आप तो सुरखरू हो ले। तो फिर भला हम सब आपकी इस मुसीबत में कैसे काम आ सकते हैं? अगर तुम लोग मेरे वास्ते आजी और खलूस के साथ दुआ करो तो क्या अजब कि माफी हो। बेटा सच बताना कि क्या तुमने मेरे वास्ते दुआएं खैर की? दुआएं खैर की? अबू, अरे लेटे रहे लेटे रहे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि आपको होश तो आया। आप कैसी तबीयत है? बोलिए, कुछ तो बोलिए ताकि हम लोगों को तसल्ली हो। अच्छा खासा घर में रोना पीटना होता रहा और आपको खबर तक नहीं, किसी बच्चे के मुंह में दाना तक भी गया हो तो हराम। छोटे बड़े सब कल का खाए हुए हैं। रोते रोते लड़कियों की आंखें सूज गई हैं, लड़के हैं कि मुस्तर और परेशान फिरते हैं।
पानी मैं लाती हूँ। अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, मुझे राह रास्त पर चला। तू बड़ा माफ करने वाला और रहम दिल है, इलाही मुझसे ज्यादा नालायक ना अबकार ना किस ना अंजार भी कोई शख्स होगा कि सारी उम्र मैंने तेरी नाफरमानी में काट दी। काश मैं पैदा ही ना होता, या पैदा हुआ था तुम मासियत पर कुदरत ना रखता तो मेरी जिंदगी पर अगर फिर मासियत की तरफ इकदाम करूं। खुदाया मैं इसी काबिल हूं कि दोजख में मुझे झोंक दिया जाए, मगर तूने अपने फजल से फिर चंद रोज के वास्ते मुझको दुनिया में रख लिया और ऐसी तौफीक अता की कि नेकोकारी और तेरी इताअत तो फरमा बरदारी में रहूं और मेरी जिंदगी दीन धाराना जिंदगी का नमूना बने। खुदाया मेरे इरादे में मेरी मदद कर, जो मुश्किल पेश आए आसान हो जाए, मेरी बात में असर दे और मेरी अस्म में इस्तेहकाम पैदा कर। अल्लाह तेरे हाथ में सब कुछ है, तू चाहे तो जरा की जरा में मेरी और मेरे खानदान की माहियत बदल दे। या अल्लाह नसूह हफ्ते अशरे में पहले की तरह तंदुरुस्त तवाना हो गया, मगर बीमारी के बाद उसके अंदर काफी तब्दीलियां आ गईं और सबसे बड़ी तब्दीली जो उसके अंदर आई वो ये थी कि वो पंज वक्त नमाजी और खिलवत पसंद हो गया था। बीमारी के बाद नसूह में काफी तब्दीलियां आ गईं, बेजरूरत बकना झकना गुस्सा करना जोर जोर से कहकहे लगाना लायानी बातों में शरीक होना उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। इसकी जगह उसके अंदर हद दर्जा नरमखोई अखलाक इंकसार और मिलनसारी की सिफात पैदा हो गई थी। बीमारी से पहले उसके गुस्से का यह आलम था कि इधर उसने दरवाजे में कदम रखा कि हर एक पर सहमतारी हो गया और अब यह आलम है कि उसके सर पर ढोल बजता रहे तो कुछ खबर नहीं। रोजमर्रा के कामों में उसकी ये हालत हो गई थी कि जो सामने रख दिया खा लिया, जो दे दिया पहन लिया, न हुज्जत न तकरार न गुस्सा न खफगी। ये लीजिए। जरा पानी गर्म कर दो, नहा लूं। क्या गजब करते हैं, हाथ पांव में जरा दम तो आने दीजिए। नहाने को ऐसी कौन सी साथ मारी जाती है, जब असल खैर से चलने फिरने लगेंगे तो खासी तरह हम्माम में जाके गुस्ल कीजिएगा। अरे नमाज पढ़ना चाहता हूँ, इस बीमारी में इस हलालत में तरह तरह की बेएहतियाती हुई है, जी कबूल नहीं करता कि इस हालत में नमाज की नियत बांध लूं। क्या अच्छा होने की नफिल मानी थी? अरे नफलें पढ़ने वाला होता तो इस हालत तक पहुंचता? नफिल नहीं, नियाज नहीं, मन्नत नहीं, तो फिर क्या है? अरे नमाज कहां भागी जा रही है? खासी तरह तंदुरुस्त हो जाइए, फिर बतौरी नमाजें पढ़िएगा। इस अलालत कमजोरी और लागरी में नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं, अगर तबीयत और बिगड़ गई तो। अफसोस,
कि मेरी नाकारा सोहबत ने तुमको इतना गुमराह कर दिया है कि फर्ज खुदा को तुम सरसरी सा काम समझ रही हो। मैं खुद ही। अरे कहां जा रहे? मैं खुद ही जाता हूं। रुको, एहतियात से बेदारा, एहतियात से। बस ठीक है बेदारा। आप इतने गुमसुम और खोए खोए से क्यों बैठे हैं? आपको क्या परेशानी लाहक है? अकेले चुपचाप बैठे बैठे आपका जी नहीं घबराता? कुछ देर के लिए नीचे उतर आया कीजिए, बाल बच्चों की बातों में जी बहलेगा। मुझे तो घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती कि आपके पास बैठूं और बात करूं। मैं तुमसे शिकायत करने वाला था कि जब से मैं बीमार होकर उठा हूं, तुमने इतना भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्यों कर हुआ। क्या तुमको मेरी आदत में कुछ फर्क नहीं मालूम होता? क्यों नहीं, बखुदा कल में और अब में रात दिन का तफावत, जमीन आसमान का फर्क। और पूछने को आपके सर की कसम, कई बार ये बात मेरे मुंह तक आई, लेकिन आपके तेवर और ढंग देखकर जुर्रत ना हुई कि आपसे पूछूं। क्यों, ढंग कैसा? क्या मैं तुमको इतना खूंखार नजर आता हूँ? बुरा मानने की बात नहीं है, मिजाज आपका सदा का तेज है। वैसे ही सब लोग आपसे डरते रहते हैं, और फिर जब से बीमार होकर उठे हैं, सबको था कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। पहले ही से बला का गुस्सा है, फिर जब आपको देखा तो किसी की तरफ मुल्तफित ना पाया, समझे तबीयत बरहम और मिजाज ना दुरुस्त है। फिर किसकी हिम्मत कि आपसे पूछे और दरियाफ्त करे? मगर इन दिनों तो मैं किसी से ना खुश नहीं हुआ। इसी बात की तो सबको तश्वीश है और ताज्जुब भी। आखिर लोग इसका क्या सबब करार देते हैं? कहते हैं वबा में कसरत से लोगों को मरते देखा, अपने घर में ही 3 मौतें हो गईं, खुद बीमार हुए, खुदा के घर से फिर कर आए, इसलिए दिल में खौफ बैठ गया है। आपके बड़े साहबजादे तजवीज़ करते हैं कि इस हाल बंद करने के लिए हकीम साहब ने जो दवा दी थी उसकी गर्मी दिमाग में बैठ गई है। बाहर कैफ, सबकी यही राय है कि इलाज करवाना चाहिए। ना ये गर्मी है ना खलल दिमाग, खौफ अलबत्ता है। बीमारी अगरचे जाहिर में सख्त थी, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि शुरू से आखिर तक शौहर की बात सुनकर फहमीदा परेशान हो गई, और उसने अपने शौहर का दिल बहलाने और उसके खौफ को कम करने की बहुत कोशिश की। लेकिन नसूह जिन कैफियत से दोचार है, वो चाहता है कि उसकी बीवी भी उन्हीं कैफियत को महसूस करे और उसके कदम ब कदम शाना बशाना उसके साथ चले। दुनिया में अगर कोई चीज रोने के काबिल है तो मेरे नजदीक गुनाह और खुदा की नाफरमानी है, और बस। क्योंकि कोई मुसीबत, कोई आफत गुनाह से बढ़कर नहीं है। लेकिन इतनी उम्र इस खराबी में बसर की, अब निजात और मगफिरत की क्या उम्मीद है? क्या अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा? क्या हमारे बचाव का कोई रास्ता है? खुदा की रहमत से मायूस होना भी कुफ्र है। ये बातें जो हम पर फर्ज और वाजिब की गई हैं, हमारी इस्लाह, हमारी बहबूदी के लिए है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसमें परले सिरे का रहम और गायत दर्जे का हिल्म है। लाख गुनाह करो, जहां इलाहो जारी की, अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार किया, रोए गिड़गड़ाए, बस फिर कुछ नहीं, दरियाए रहमत जोश में आ जाता है और वो हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है। जब तौबा करने से गुनाहों का माफ हो जाना यकीनी है और आइंदा के वास्ते हम अहद करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर क्या वजह है, क्या बात है कि आप इतना उदास हैं? मेरी अफसुर्दगी का सबब और है, जिसकी वजह से मेरा कल्ब मुतमईन नहीं होता। वो क्या? वो ये है कि
मैं तो बिगड़ा ही था। मैंने इन बच्चों को कैसा गारत किया, मेरी देखा देखी ये भी गए गुजरे हुए। बल्कि हक यह है कि इनकी तबाही और खराबी में मैं हर तरह की मदद करता रहा। अफसोस कि मैंने इनके हक में कांटे बोए। कोई कांटे वाटे नहीं बोए हैं, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। और भी मुझे तो यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, चलिए आप भी अंदर चलिए, आइए। हाँ बेगम, तो आप क्या कह रही थी कि मैंने उनके हक में कांटे नहीं बोए? मुझे लगता है कि आपकी ये बात गलत है। गौर से देखें तो बच्चों का तो कुछ भी कसूर नहीं है, खता मेरी है या तुम्हारी। उन सब के उयूब पर झिड़कना और मलामत करना कैसा, हमने कभी उनको रोका तक भी तो नहीं। हाँ आइए, आपसे पैच हो जाए आज, संभालिए अपनी पतंग। आप काटा। अब्बा हुजूर, मेरी पतंग तो कट गई, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ शेर कहे हैं। अच्छा, सुनाऊं आपको? सुनाओ। सुनिए अब्बा हुजूर, अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया। पानी सर से ऊंचा हो गया। अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया, मेरा साया मुझसे लंबा हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सुनिए अब्बा हुजूर, इस जमी की जहरनाकी देखिए, इस जमी की जहरनाकी देखिए, आसमां भी सारा नीला हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। इसको क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ। आसमां का जिस्म नीला हो गया। आसमां का जिस्म नीला। वाह वाह अब्बा हुजूर, क्या कहा है आपने, दोबारा सुनिए। इस जमी की जहरनाकी देखिए, आसमां का जिस्म नीला हो गया। अब्बा हुजूर शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे अरे जनाब, जनाब खास साहब, अब्बा हुजूर देखिए देखिए कितने प्यारे प्यारे कबूतर है। वो देखिए, वो देखिए, वो अफगानिस्तान वाला देख रहे हैं कबूतर। वो ले लीजिए अब्बू जान मेरे लिए। पता है क्या है, वो जो फन्ने का है ना, फन्ने का, अगर उनसे जीतना चाहते है ना तो वो जोड़ा ले लीजिए, बहुत प्यारा है वो जीत जाएगा। ये कौन सा? वो दिखाइए, कान, वो अफगानी, अफगानी। आ ये 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 लीजिए, देखिए हजूर। जी 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 जी, देखिए इसका इसका जोड़ीदार कौन सा है? इसका जोड़ीदार ये रहा। हाँ दिखाइए, वो भी ये लीजिए। अरे वाह वाह, अरे ये जाता तो काफी ऊपर तक है ना, यही लेना है? जी जी अब्बा, यही चाहिए मुझे। ये लिया मियां, पैसे ले जाइएगा। ठीक है ठीक है, चलिए अबू चलते हैं। अरे फन्नका साहब, देखना ये हैदराबादी कैसी शिकस्त देता है आपको। अब उधर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये जाओ जाओ खास साहब, दूसरा लेके आओ। ये लीजिए फन्नका साहब, लो कलीमिया, ये मंदासी उड़ाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फसा बेटा फसा। अब बहुत देखिए, बहुत बढ़िया। फन्ने खास आपके देखिए कैसे छक्के छोड़ रहे हैं। ये ले ये जा, बहुत बढ़िया बेटा, फसाला वो जा रहा है पीछे पीछे। बहुत बढ़िया, अरे वाह शाबाश शाबाश। अब बहुत सारे इलाके के कबूतर को मात दे दिया आज हमने। ये देखो, अरे वाह अब्बा हुजूर, ये सारी बंदूकें आपने मेरे लिए मंगाई हैं? हाँ, कर्नल साहब से खास कह करके ये ब्रितानिया से मंगवाई गई हैं। अरे वाह अब्बा हुजूर, बहुत महंगी होंगी। महंगी तो है बेटे, लेकिन इसमें से कौन सी पसंद है तुम्हें? अब्बा हुजूर मुझे मुझे ये पसंद है। उठाओ। वो भारी है। अरे बहुत भारी है अब्बा हुजूर। इसको देखो, इस हाथ पे वजन लेना है इसका जी, और इस हिस्से को यहाँ कंधे पे लगाना है, यहाँ जी। और इसकी जब ये हाथ यहाँ यहाँ से पकड़ के यहाँ अंगुली, और इसकी जब गोली चलेगी ना जी जी, तो झटका लगता है। अच्छा, तो ये कंधे पे लेना इसका झटका। ओ, ये ध्यान रखना। ठीक है, खास बात है। और एक आंख बंद करके यहाँ से देखना है। अच्छा, ये जो हिस्सा जा रहा है ना, इसकी सीध में जी जी, अगर इसकी सीध सही हुई तो निशाना सही लगेगा। अच्छा, ये खासियत है इसमें। वाह बहुत, मैं कोशिश करूंगा बहुत। देखो, देखो। संभाल के कहाँ बताया था बहुत? यहाँ रखो, ये कंधे पे, यहाँ पे, ये कंधे पे, यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हाँ, ये जरा ऊंचा उठाओ। ये इसकी सीध में जाना। आहा, निशाना देखो। अरे बहुजूर, देखो वो जा रहा है हिरण। ये तो साफ दिख रहा है उसपे, चलो उसके नाली में। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लगाऊं? अरे वाह क्या बात है बहुजूर, पहले लगाइए। लेकिन अब बहुजूर एक बात है,
अगर मैं जीत गया तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? बस छोटी सी शर्त है। क्या भाई क्या? लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है वो शर्त। हाँ क्या है वो शर्त? पहले खेल तो शुरू कीजिए, शर्त भी बता देंगे। ठीक है, हार के लिए तैयार हो जाइए। इस बार मैं जीतूंगा। ये लीजिए अब्बा जान। लाइए लाइए, चलो ये लीजिए नई गोटी। ये नई गोटी दो और आप रख लीजिए एक। चलिए बाजी ये। ये लीजिए। ओहो हो, ये लीजिए अब्बा हुजूर। अरे एक दो कमाल है। चार पाँच छः सात आठ। क्यों अब्बा हुजूर, ये लीजिए, ये पूरी मात दे दी मैंने आपको ये। अरे भाई चलो तुम जीते। वो तो मेरा दिल ही कहता था अब्बा हुजूर। अब ये बताइए मेरी शर्त पूरी करेंगे अब्बा हुजूर? क्या क्या शर्त है? अब्बा हुजूर वो जो है ना वो बग्गी नवाब साहब वाली, वो मेरा नाम करवा दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो मियाँ, अरे वो असल अरबी घोड़े हैं उनके। तो क्या हुआ अब्बा हुजूर, थोड़े से पैसे की तो बात है, आपने वादा किया है शर्त पूरी करने का। अरे मियाँ वो 10,000 से नीचे नहीं मांगेंगे। अब्बा हुजूर हम कम बढ़ती करके करा देंगे ना बात। अच्छा। बड़े उस्ताद है, आपने पहले से बात कर रखी है। अच्छा फिर क्या करोगे बग्गी का? अब्बा हुजूर मैं उस बग्गी पर सलीम को और अलीम को दोनों को सैर कराऊंगा सुबह, आम का बगीचा जो है अपना उसमें। जी चलो, क्या याद रखोगे कि किसी नवाब बाप से पाला पड़ा? तो रखिए सिर पर हाथ। बच्चों का इसमें कुछ भी कसूर नहीं, खता अगर है तो मेरी और तुम्हारी। उन सबके उयूब पर झिड़कना मलामत करना कैसा, हमने कभी उनको रोका तक भी तो नहीं। फिर भी आप तो बाहर के उठने बैठने वाले ठहरे, इसमें सरासर मेरा ही कसूर है। बच्चे इब्तिदा में माँ से ही ज्यादा मानूस होते हैं, उसकी ही खूबू पकड़ते हैं। आप कभी झिड़कते थे या नसीहत करते थे तो उल्टा मैं उनकी हिमायत लेती थी। इन्हें मैंने ही खराब किया है, इसका इल्जाम मेरी ही गर्दन पर होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अगर अपने काम पर आमादा और सरगर्म रहता तो मुमकिन ना था कि मैं कहूं और ना सुने, मैं चाहूं और ना करें। आखिर मैं उन पर जाबित था, मैं हर तरह से उन पर कुदरत रखता था, ना सिर्फ उन पर बल्कि तुम पर भी, सारे घर पर। फिर भी जितनी बुराइयां मुझ पर जाहिर होती रहती थी उसका शायद 10वां हिस्सा भी आप पर मुनकशिफ ना हुआ होगा। मेरी अकल पे क्या पर्दा पड़ गया था। मेरे गुमान में बच्चों की इस्लाह अब हमारे इम्कान से खारिज है। तो क्या उनको गुमराही में रहने दें कि बदतर हो? अभी तुमने खुद ये बात कही थी कि बच्चों की इस्लाह तुम पर फर्ज थी। मुझे इससे इनकार नहीं, गुरेज नहीं। मैं कब कहती हूं कि बच्चों की इस्लाह हम पर फर्ज ना थी या अफर्ज नहीं है? मुझे तो इनकी इस्लाह से या से कुल्ली है। मैं जानती हूं इनकी इस्लाह तालीम और तहजीब की कोशिशें बेकार है। भला ठंडा लोहा भी कभी पीटने से दुरुस्त हुआ है? आहा, लेकिन हम पर इस कदर लाजिम है कि हम कोशिश करें और नतीजे खुदा पर छोड़ दें। उनके दिलों में खुदा का खौफ पैदा करना हमारा काम नहीं, अल्लाह का काम है। हम सिर्फ कोशिश के मुकल्लफ हैं। इस बात का फैसला मेरे और आपके हक में मुमकिन नहीं, इस वास्ते कि आपकी हालत और है और मेरी हालत और। अव्वल आखिर बच्चों पर आपका रौबदाब है। आपसे डरते तो हैं, मेरे साथ तो इस कदर गुस्ताख है कि लड़कियां तो मुझे बराबर की सहेली समझती हैं और लड़के वो तो ये भी नहीं जानते कि ये कौन बला है और क्या बकती है। बड़े अफसोस की बात है कि मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूं और तुम इतनी सी बात नहीं समझती कि उनमें तब्दीली आना मुमकिन और महाल क्यों है। ठीक है, आप कहते हैं तो आपकी खातिर मैं ये बात मान लेती हूं। चूंकि राय पूछी है
तो मैं तो इसे बेशक मुहाल और नामुमकिन ही समझती हूँ। अरे उनकी आदत रासिख होते होते तबीयत बन गई है। बराबर के बेटे, बराबर की बेटियां मार हम नहीं सकते, जब्र हम नहीं कर सकते। भला उन आदतों को जिनके वो मुद्दतों से खुगर है क्यों कर छोड़ देंगे? मुझको इस बात से इनकार नहीं कि मामूली तदबीरें अब महज बेसुध हैं। अब मादा अगर सख्त है तो जुल्ला भी कोई बड़ा ही देना होगा। और जो काम पहले एक बात से निकलता था वो अब जूती लात से निकलने की भी उम्मीद नहीं। लेकिन सख्ती खुद मेरे नज़दीक एक तदबीर नामुनासिब है। और मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ कि बड़े लड़के किसी भी तरह सख्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैंने उनके साथ सख्ती और जब्र किया तो असर उल्टा ही होगा। भला सख्ती करोगे नहीं, नरमी से काम बनेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? मैं इस शेर पर अमल करूंगा, दुरुस्ती और नरमी बहम दर्ब अस्त, चूरग जन के जर्रा मरहम ने अस्त। नरमी की जगह नरमी और सख्ती के महल पे सख्ती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह अपने इस इरादे में कामयाब रहूंगा। मैं दिलो जान से आपकी मदद करने को तैयार हूँ, कदम कदम पे आपका साथ दूंगी। तुम मेरे शरीके हाल हो तो मुझे हर तरह से इत्मीनान है, मुझे हर तरह से तकबीयत है। नसूह को ये बात बखूबी समझ में आ गई कि बिगाड़ का असल सबक क्या है। चुनाचे घर का माहौल बदलने के लिए दिली दिल में उन्होंने कुछ अहम फैसले किए। इन अहम फैसलों और उनसे मुरतब होने वाले असरात जानने के लिए मुलाहजा कीजिए तौबतुन नसूह की अगली किस्त। ये तौबतुन नसूह है डिप्टी नजीर की, ये तौबतुन हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए।